ताहिर, ये बताना ये क्या लिखा हुआ है? तुम ताहिर को भाई क्यों नहीं कहती? बड़ा है ये तुमसे। ये मेरा कजन है और दोस्त, तो मैं इसे भाई भाई क्यों कहूँ? ये ताहिर है और ताहिर ही है। ताहिर, ये जो तुमसे इतनी दोस्ती की बातें करती है ना, देखना एक दिन तुम्हें छोड़कर भाग जाएगी और तुम अकेले ही रह जाओगे। जी नहीं, मैं इसे छोड़कर क्यों जाऊंगी? हम हमेशा साथ रहेंगे। मुझसे शादी कर, अम्मी से बात करो। ताहिर तुम पागल हो गए हो, कैसी बातें कर रहे हो? हम सिर्फ दोस्त हैं। अरे दोस्त हैं इसलिए तो कह रहा हूँ। दोस्त हैं इसलिए ये नहीं कह सकते। और खबरदार आए ना तुम ऐसे कोई बात की मुझसे। क्या हुआ, सर में दर्द हो रहा है? हाँ। आपको कहा भी था कि डॉक्टर को दिखा दें। गया था डॉक्टर के पास। क्या कहा उसने? कुछ भी नहीं, बता रहे थे कि ब्लड प्रेशर का मसला है, दवाई लिख के दी है। आप इसको कोई मसला ही नहीं समझते? ये ब्लड प्रेशर तो ऐसी बीमारी है कि एक दफा जान को लग जाए तो बिल्कुल चिमट ही जाती है। आपने भी तो इतनी जिम्मेदारियां सर पर ले रखी हैं। तो क्या करूं, ताहिर की अगर पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तो मुझे भी सुकून हो जाएगा। मेहनत तो कर रहा है बेचारा, इस कामयाब हो जाए ना एक दफा तो मैं फौरन भाभी के पास जाके इसका रिश्ता मांग लूं। तुम भी अजीब औरत हो, उसकी नौकरी का अता पता नहीं, अभी से तुमने उसकी शादी का सोच लिया। क्या करूं, एक ही तो बेटा है मेरा। मेरा भी वही एक बेटा है और मैं भी यही सोचता हूँ, मेरी सेहत और ज़िंदगी का कुछ पता नहीं। अगर ताहिर की मंगनी कर दी जाए तो बुरा नहीं, फिर सोचता हूँ भाभी क्या सोचेंगी, बेटे की नौकरी नहीं और रिश्ता लेने के लिए आ गए। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, तो भाभी ऐसा क्यों सोचेंगी? आपने भी उनके लिए बहुत कुछ किया है। कैसी बातें करती हो रशीद, ये सब कुछ मैंने किसी सिले के लिए नहीं किया। हाँ वो तो है, लेकिन बस ठीक है, मैं उनसे बात कर सकता हूँ, मेरी मान भी लेंगे, लेकिन तुम्हें यह सब कुछ ठीक लगता है क्या? पता नहीं भाई, इसी तरह चलता रहा तो हो गया सब कुछ। वैसे दिल इतना खुश हो रहा था कि सबिया की शादी के बाद फिर घर में कोई हल्ला गुल्ला होगा, यहाँ तो कुछ होता नजर नहीं आ रहा। आपके लिए चाय लेके आती हूँ।